ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल ले कर रहे हैं, ले अमेंडमेंट बिल 2023 एज पास बाय नेशनल असेंबली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड मैं ये कर रहा हूं कि आप तशरीफ रखें मिस्टर साहब हो गए जी। इट हैज बीन मूव्ड दैट दे बी फर्दर टू अमेंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 द ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल 2023 स्टैंड रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश होते ही शोर शराबा, ऑपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया, नो नो के नारे, मुस्तरद करने पर इसरार, पीपल्स पार्टी JUI फे और ANP ने भी मुखालफत कर दी, नून लीग के अफनानुल्लाह भी इत्तेहादियों के हम आवाज, चेयरमैन ने मामला कायमा कमेटी को भिजवा दिया, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद तरमीमी बिल पेश करने पर भी बदमसगी, रजा रब्बानी ने मुसविदा फाड़ दिया, लगता है राजवाड़े में आ गया हूँ, PP रहनुमा की तनकीद, कामरान मुर्तजा बोले ऐसे ही कानून साजी होनी है तो हम घर चले जाते हैं। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर फुल कोर्ट बनाने की सदा मुस्तरद, कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं, सितंबर तक दस्तियाब नहीं, तनकीद की परवाह नहीं, आईन पर अमल के पाबंद हैं, कोई पसंद करे या ना करे सिर्फ अल्लाह को जवाब दे हैं, ठीक काम किया या नहीं फैसला तारीख करेगी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। सरहद पार से अम पर मुसलसल वार, एक और नाकाबले तर्दीद सबूत सामने आ गया, जोब कैंट हमले में मुलविस 3 अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त, दफ्तर खारजा की सफारतखाने को लाशें वसूल करने की हिदायत, तर्जुमान का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। इसका जवाब पिछली हुकूमत दे सकती है, क्यों मुज़ाकरात किए, क्यों उनको वापस लाया गया, क्यों उन दहशतगर्दों को जेलों से रिहा करवाया गया, ये वो है रीजन दहशतगर्दी का जो इस वक्त मुल्क में हर आने वाले महीने में बढ़ा। पाकिस्तान से जाने वाले दहशतगर्दों को मुज़ाकरात करके वापस क्यों लाया गया, मुल्क दुश्मनों को जेलों से क्यों रिहा किया गया, साबिक हुकूमत जवाब दे, खैबर पख्तूनख्वा को इंसदादे दहशतगर्दी के लिए जारी फंड्स मकसद पर खर्च क्यों नहीं हुए, इसहाक डार की करज परस, क्या कोई इकदामात से कौम से माफी मांगेगा, वजीर खजाना का सेनेट में सवाल। निगरान वजीर आजम कौन होगा, हुकूमती इत्तेहाद की मुशावरत आज फिर मुतवक्के, शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से राबता, मुजवजा नामों के हवाले से बातचीत, आईन के मुताबिक तकरूरी पर इत्तेफाक, अपोजिशन के भी सलाह मशवरे, राजा रियाज कहते हैं 8 अगस्त तक 3 नाम फाइनल कर लेंगे, शर्जील इनाम मेमन ने चंद रोज में अबूरी सेटअप सामने आने का दावा कर दिया। नाइंसाफी पर मबनी फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती, इंसाफ की फराहमी में जानिबदारी के बायस फलता फूलता पाकिस्तान मौजूदा नहज पर पहुंचा, दोबारा मौका मिला तो तरक्की का सफर 2017 से शुरू करेंगे, नवाज शरीफ का ट्वीट, ना अहली की सजा साबित कदमी से काटने पर तलाल चौधरी को मुबारकबाद। आम इंतखाबात में नई मर्दम शुमारी के तहत जाना है, वजीर आजम के बयान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़ुज़ात, मामला आईनी तरमीम का मुतकाजी है, तरमीम उसी वक्त होगी जब असम्बलियाँ मौजूद होंगी, सईद गनी का रिएक्शन, दुरुस्त मर्दम शुमारी के बगैर कराची को पूरे हकूक नहीं मिलेंगे, MQM रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक, जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान बोले इलेक्शन नई मर्दम शुमारी पर होने चाहिए जाली पर नहीं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं की अक्सरियत, शहबाज शरीफ के ऐलान की हामी, अहम इजलास तलब कर लिया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर is a roaring success. I would like to once again renew this invitation that let us join hands in this wonderful story of mutual joint progress and prosperity.
वजीर आजम की तुर्की को सी पैक में शामिल होने की दावत। स्ट्रेटेजिक तआवुन बढ़ाने का अज़्म, कहा दोनों मुल्क मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। नायब सदर तुर्की बोले दोनों ममालिक को दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान के इकदामात की भरपूर हिमायत करते हैं। जंगी जहाज PNS तारिक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल, शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क्याम के 96 बरस मुकम्मल, जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में तकरीब, आर्मी चीफ के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चीनी और पाकिस्तानी फौज भाई भाई, बामी ताल्लुकात इंतहाई मुनफरिद नौयत के हैं, हमारा रिश्ता इज्तमाई मफादात के तहफ़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा, सिपासालार का इजहार ख्याल। परवेज इलाही ने मेरे सामने 5 करोड़ रुपए रिश्वत ली, खाद के थैले में अदायगियां 1-1 करोड़ रुपए के 5 पैकेट्स में हुई, 2 अरब रुपए लागत के मंसूबे में 20 करोड़ रुपए मजीद देने का वादा भी किया गया। साबिक वजीर आला पंजाब के देरीना साथी अफगन फारूक ने एंटी करप्शन कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करा दिया। तोशाखाना फौजदारी केस, इस्लामाबाद की अदालत ने PTI चेयरमैन की गवाहान की फहरिस्त गैर मुतालिका करार देकर मुस्तरद कर दी। फरीकैन के वकला कल तलब, हतमी दलाइल ना देने पर फैसला महफूज करने की वार्निंग। तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे में भी सरबरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर हाजिर, फर्द जुर्म 22 अगस्त तक टल गई। असद उमर और फवाद चौधरी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। डॉलर फिर आउट ऑफ कंट्रोल, इंटरबैंक में कदर 1.71 रुपया बढ़ गई, 289.25 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में 1.50 रुपया इजाफे के बाद 292.50 रुपए में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज तेजी, 100 इंडेक्स 534 पॉइंट इजाफे के बाद 48,764 पर बंद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, मुल्तान समेत कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। तलब और रसद को जवाब बनाकर निजी एयरलाइंस की भी मनमानियां, कराची से लाहौर के एक तरफा टिकट की कीमत 17,000 से 35,000 रुपए कर दी। घरेलू तशद्दुद के शिकार रिजवाना की तबीयत मजीद बेहतर, इन्फेक्शन की शिद्दत कम होने लगी, बातचीत भी शुरू कर दी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची को खाने में हल्की गजा दी जा रही है, बेहोशी की दवा देकर 2 से 3 बार पट्टियां तब्दील की जा रही है। कोई शर्म ना हया, कराची में दिन दहाड़े खातून को हिरासत करने का एक और वाकया, समनाबाद में मोटरसाइकिल सवार की नाजेबा हरकत, सरकार की मुदैयत में मुकदमा दर्ज। फुटेज में चेहरा वाजे होने के बावजूद पुलिस मुलजिम का सुराग ना लगा सकी। PCB का साबिक कप्तान मिसबाउल हक की सरबराही में क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के कयाम का ऐलान, इंजमामुल हक और मोहम्मद हफीज भी शामिल होंगे। और मिसाली जोड़ी को नजर लग गई, शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलहदगी की खबरें फिर से गर्म। कौमी क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से हस्बैंड टू सुपर वुमन हटा दिया, लिव अनब्रोकन के अल्फाज तहरीर, बेटा नेमत करार।